हेलो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारा, सबसेल। सबसेल क्या होती है बेटा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की कैपेसिटी जो होती है, पावर जो होती है, ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? सबसेल्स कहते हैं। ओके, तो सबसेल में क्या होता है? कौन कौन सबसेल होती हैं हमारे पास? आता है सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, और क्या आ गया हमारे पास? एफ सबसेल आ गया। सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिटल कैसे कैसे होते हैं? ऑड नंबर में होते हैं, 1, 3, 5, 7। ओके, यानी कि सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चों? 3 ऑर्बिटल होता है। डी में कितना होता है बेटा? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। और अब सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ गया। ओके, ये ऑर्बिटल जो हैं ये फाइंड कहाँ से होते हैं? कैसे आते हैं ऑर्बिटल? ऑर्बिटलों को फाइंड जो किया जाता है, क्वांटम नंबर होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके व्याप पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है बेटा। ओके, आइएगा अब इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने फिल हो सकते हैं? ऐसे में जो मैक्सिमम फिल इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे बेटा। पी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कितने होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे मैक्सिमम। डी में 10 और एफ में कितने होंगे बेटा? 14 होंगे। अब इनके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। हमारे पास जो एस सबसेल है, एस सबसेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसी होती है? देखो ध्यान से, एस सबसेल की स्ट्रक्चर होती है बेटा सर्कुलर, गोल होती है। ओके बेटा, बीच में क्या होता है? इसका सेंटर है, एक पॉजिटिव नोड होता है इसमें, एक नेगेटिव नोड होता है। क्लियर? पी सबसेल जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डंबल शेप होती है। कैसी होती है बेटा? डंबल शेप होती है, एक प्लस नोड होता है, एक माइनस नोड होता है। डी सबसेल की जो शेप होती है बेटा, वो डबल डंबल शेप होती है, एक डंबल तो ये रहा और एक डंबल ये रहा। प्लस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, प्लस यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो गया। क्लियर? एफ सबसेल जो होता है वो अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। होने में कुछ चीज़ें ये कहते हैं कि ट्रिपल डंबल शेप में होती है, पर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जो स्ट्रक्चर है कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स होगी, हिंड्रेंस होगी, भीड़ भाड़ हो गई है। हिंड्रेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है भाई? एस हो गया, पी होगा, डी होगा, और क्या होगा हमारे पास? एफ हो गया। इसके बाद इनमें आती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटलों को आपस में कंबाइंड करने के फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? ओवरलैपिंग कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिएगा।